अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज अब्दुल वाजिद और आज जो टॉपिक हम कंप्लीट करने जा रहे हैं उसका नाम है प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। ये भी एक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम है। इसके अंदर जो भी प्रोसेस होता है वो प्रायोरिटी वाइज कंप्लीट किया जाता है। जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी वो काम सबसे पहले कंप्लीट किया जाएगा। अच्छा, प्रायोरिटी अब इसका हम एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। न्यूमेरिकल के अंदर इसकी प्रायोरिटी गिवन होती है हमारे पास लाजमी। अच्छा, अराइवल टाइम आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, या तो गिवन होगा या तो आप सीक्वेंस वाइज लिख देंगे। देन बर्थ टाइम मैंने सेम लिया पिछली एग्जांपल की तरह, और प्रायोरिटी मैंने यहाँ मेंशन कर दी। प्रायोरिटी हमेशा गिवन होगी इसके न्यूमेरिकल के लिए कि किस काम की प्रायोरिटी कितनी ज्यादा है। अगर आपको यही नहीं पता होगी तो न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर ही नहीं सकते। अच्छा, अब इसके अंदर सबसे पहले हमें निकालना है कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम निकालेंगे भी किस तरह, प्रायोरिटी वाइज निकालेंगे। सबसे पहला काम तो सबसे पहले होता है, इसमें कोई भी न्यूमेरिकल हो कोई भी एल्गोरिथम हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहला काम सबसे पहले ही होगा, उसके बाद रूल अप्लाई होंगे। तो सबसे पहले तो हमने लिख दिया यहाँ सीधा सीधा 5, यानी कि इस काम को होने में 5 सेकंड लगे, या उसकी लेंथ 5 थी तो हमने लेंथ 5 लिख दी। यानी कि प्रोसेस 0 को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा, 5, तो हमने लिख दिया यहाँ 5। देन उसके बाद अब वो देखेगा प्रोसेस 1 करूं, प्रोसेस 2 करूं, प्रोसेस 3 करूं, वो देखेगा किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। 2 की प्रायोरिटी ज्यादा है, 1 की कम है, देन 3 की सबसे ज्यादा है। तो सबसे पहले कौन सा काम करेगा, वो प्रायोरिटी 3 वाला काम करेगा। तो जब वो प्रायोरिटी 3 वाला काम करेगा तो यानी प्रोसेस 3 पहले आ जाएगा। प्रोसेस 0 के बाद डायरेक्ट कौन सा प्रोसेस आ जाएगा, प्रोसेस 3। तो प्रोसेस 3 कितना टाइम लेगा कंप्लीट होने में, 4। तो 5 + 4 = 9। तो हमने क्या मेंशन कर दिया कि प्रोसेस 3 कंप्लीट होने में कितना टाइम लेगा, 9। देन उसके बाद आ गया वो देखिएगा किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, 2 या 1। तो यहाँ पे प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, 2 की। तो वो क्या करेगा, 2 को सॉल्व करेगा, यानी कि P1 को सॉल्व करेगा। तो यहाँ पे उसने क्या लिख दिया, 9 + 3, तो ये आ गया 12। तो हमारे पास यहाँ आ गया इसका कंप्लीशन टाइम P1 का 12। देन उसके बाद क्या करेगा वो P2 को सॉल्व करेगा, क्यों, क्योंकि वो एक रिमेनिंग बचा है। अच्छा, अगर हमारे पास ऐसी कोई कंडीशन आ जाए कि दो नंबर्स बचे और दोनों की प्रायोरिटी सेम हो, यानी दोनों की 1-1 प्रायोरिटी आ जाए, या यहाँ पे दोनों की प्रायोरिटी 2-2 आ जाती, तो हम पहले कौन सा सॉल्व करते हैं, तो हम पहले वो सॉल्व करते जो पहले आया है। यानी कि हम इसको लाइन से सॉल्व करते, सबसे पहले ऊपर वाला करते हैं देन नीचे वाला करते हैं। ये होता है अक्सर कंफ्यूज, यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं कि अगर प्रायोरिटी सेम आ जाए तो कौन सा पहले सॉल्व करें। तो अगर प्रायोरिटी सेम आ जाए तो आपको कौन सा करना है, जो पहले आया हुआ है, देन उसके बाद नेक्स्ट वन करना है। अब यहाँ पे क्योंकि प्रायोरिटी सेम नहीं है तो 2 के बाद हम कौन सा आखिरी जो हमारा रिमेनिंग है वो सॉल्व करेंगे। उसको रिक्वायर्ड कितनी है लेंथ, 6। तो हमारे पास 12 + 6 = 18 आ गया। तो हमारी इसकी कंप्लीशन टाइम की आ गई 18। कंप्लीशन टाइम हम लोगों ने सॉल्व कर लिया किस तरह निकला है। अब हम निकालेंगे सर्विस टाइम। तो सर्विस टाइम पे हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं सर्विस टाइम निकालने का तरीका, पहले किसको सर्विस मिली, P0 को सबसे पहले सर्विस मिली, तो P0 को सर्विस टाइम क्या होगा, इनिशियल पॉइंट उसका देखेंगे और डायरेक्ट 0 लिख देंगे। देन किसको सर्विस मिली थी, P3 को, तो P3 का इनिशियल पॉइंट क्या है, 5। तो आप P3 वाली लाइन में आके यहाँ लिख देंगे 5। देन उसके बाद P1 को सर्विस मिली थी और उसको सर्विस टाइम कितना मिला था, मतलब कितने देर बाद सर्विस मिली थी, 9। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9। देन उसके बाद इसका P2 का इनिशियल पॉइंट देखेंगे 12। तो आप यहाँ लिख देंगे सर्विस टाइम 12। अब आपको निकालना है वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला आप लोगों के पास मौजूद है, सर्विस टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो सर्विस टाइम 0 - 0 आपके पास आ गया 0, 9 - 1 आपके पास आ गया 8, 12 - 2 आपके पास आ गया 10, और 5 - 3 आपके पास आ गया 2। तो ये आपका सवाल सॉल्व हो गया। एवरेज वेटिंग टाइम निकालने के लिए आप लोगों को पता है क्या करना है, टोटल नंबर जितने भी आपके वेटिंग टाइम दिए हुए 0, 8, 10, 2, इन सबको ऐड करना है और डिवाइड बाय नंबर ऑफ वेटिंग टाइम यानी कि 4, इससे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा एवरेज वेटिंग टाइम। थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।